ये फागुन की बहारें हैं, दिलों को खोल देंगे हम। ये पागलपन के मौसम है, राज सब बोल देंगे हम। बहुत आसान है तन कर पहाड़ों से खड़े रहना, तू बादल बन के बरसे तो गुलाल घोल देंगे हम। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती हैं, बस इसलिए खास है होली। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम होली है में। मैं हूँ आपके साथ छवि श्रीवास्तव और मेरे साथ है लीना राजपूत। होली का त्यौहार है, खुशियों की बहार है। इस दिन हम सभी अपने गिले शिकवे भुलाकर प्यार के दोस्ती के रंग में रंग जाते हैं। अब लीना, रंग में रंगने का कारण तो साफ है ना कि यह त्यौहार होता ही इतना आकर्षित है। जी हाँ छवि, होली का त्यौहार होता ही इतना प्यारा है, इसमें रंगने से कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता। इनफैक्ट मुझे तो होली बहुत पसंद है। जी हाँ बिल्कुल, वैसे होली को मनाने के पीछे की कहानी तो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी अभी हम इस कहानी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लीना, आप हमारे दर्शकों को इस कहानी के बारे में बताइए। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जो कि देवी देवताओं को नहीं मानता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिस वजह से राजा परेशान थे। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर योजना बनाई। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि की वेदी में बैठ गई। प्रहलाद तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। होलिका अचानक से जलने लगी। फिर आकाशवाणी हुई कि जिससे होलिका को याद दिलाया गया कि अगर होलिका अपने वरदान का गलत उपयोग करेगी तो वे खुद ही जल जाएगी। और बस यही हुआ, प्रहलाद बच गए लेकिन होलिका जल गई। तभी से ही होलिका दहन मनाया जाता है और दूसरे ही दिन रंगों की होली में रंगा जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को समझाया लीना। लेकिन छवि, मैं अपने दर्शकों से एक और बात जरूर कहना चाहूंगी। इस समय कोरोना बढ़ रहा है तो आप सभी होली तो सेलिब्रेट करें, लेकिन सावधानी के साथ। मुझे पता है होली और सावधानी का 36 का आंकड़ा है, लेकिन जान है तो जहान है। जी हाँ लीना, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इस समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको होली की कुछ झांकियां दिखाते हैं, क्योंकि लीना हमारा देश तो त्योहारों का मेला है, यहाँ अपने अपने अंदाज में होली मनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो बस अंत में यही कहूंगी कि आप सभी को होली के इस पावन त्यौहार की ढेरों बधाइयां। आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुशियों से होली को सेलिब्रेट कीजिए और अपनी फनी वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजिए। लीना, आप दर्शकों से क्या कहेंगे अंत में? मैं भी बस यही बोलूंगी कि होली सेफली सेलिब्रेट करें, खूब इंजॉय करें। छवि, होली इतना प्यारा त्यौहार है तो एक गाना तो जरूर बनता है। जी हाँ बिल्कुल, होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से। मारे मंगेतर चुड़ला वाली, मारे मंगेतर चुड़ला वाली। घड़िया वालो रे नवाब, कहियो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से। तो हिमकॉम न्यूज टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेर बधाइयां। बी हैप्पी, बी सेफ। धन्यवाद।